फेमस होने का असली तरीका टकला हो जाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे, चाहे आमिर खान हो चाहे वो रजनीकांत हो, टकला होना सबसे जरूरी है, क्योंकि अब तो शाहरुख खान भी टकला हो गया है। आपको टकला होना जरूरी है अगर आपको फेमस होना है। अब भाई जवान का ट्रेलर हमने देखा हुआ, उसमें एंड में तो सर टकले हो लिए, मतलब क्या ये सब चीजें होना जरूरी है फेमस होने के लिए? अब भाई ट्रेलर देखने के बाद हमें कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव पॉइंट मिले तो आपको आगे वीडियो में बताते हैं, लेकिन साथ में एक अच्छी चीज भी बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले अगर आपने नहीं करा। जवान के प्रीव्यू का रिव्यू आपके सामने इसी चैनल पर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गुरु लोग कल 10:30 बजे मैंने ट्रेलर जब शुरुआत में पहले ही मतलब लाइव टू लाइव ही देखा, तो भाई सबसे पहला रिएक्शन तो मेरा ये रहा कि भाई ऑडियंस ज्यादा स्टेबल ही नहीं थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आगे बात करें प्रीव्यू ही बोले तो टीजर ही है एक तरह का, क्योंकि इसमें कुछ समझ ही नहीं आया। लोचा ही ऐसा था क्योंकि स्टार्टिंग में आप अगर फ्रेम टू फ्रेम नोटिस करोगे ना, तो एक ट्रेन में ऐसे एक शॉट है जिसमें वो भाई सभी के सभी लोग मास्क पहन के भाग रहे हैं, मतलब वो बड़ा ऑकवर्ड शॉट था। अगर आप आंख ब्लिंक कर दोगे ना, मतलब एक बार ब्लिंक कर दोगे तो आप कोई ना कोई शॉट मिस कर ही दोगे, ऐसा टीजर बना रखा है। इतना फास्ट है मतलब समझ नहीं आ रहा है। अब बात करें स्टोरी की, तो भाई स्टोरी में एक विलन और एक हीरो दोनों ही डबल रोल के रोल में ये एक ही बंदा एक्ट कर रहा है, यानी कि अपने शाहरुख खान। ऊपर से दो एक्ट्रेस इन्होंने हायर कर रहे हैं कि अपनी फेवरेट दीपिका पादुकोण तो है ही दोस्तों, बट अपना जो फेवरेट विलन चचा इसमें डाल रखा है वो विजय सेतुपति डाल रखा है। तो वो जो एक्ट करता है ना, मतलब नेचुरल एक्टर, मतलब एक्सट्रीम लेवल फर्जी में आपने उसकी एक्टिंग देखी होगी, डेफिनेटली सी बात है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे को इसका लगा कि भाई लगा पॉजिटिव पॉइंट मेरे को इसका लगा कि भी स्टोरी इन्होंने डिफाइन ही नहीं करी। सबसे अच्छी बात, पहली बार बॉलीवुड ने समझदारी दिखाई है कि भाई अपने टीजर में इन्होंने स्टोरी डिफाइन नहीं करी है। अब भाई SRK है तो शायद थोड़ा बहुत तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा ना, क्योंकि पठान के साथ भी इसने ऐसे करा था। बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, तो भाई नेगेटिव पॉइंट्स मतलब अपना दिमाग एडिटर दिमाग दिख जाता है सब कुछ हमें। लोचा यही है, सिमिलैरिटी होती है ना एक एक्टर के अंदर, वो सिमिलैरिटी इसके अंदर अभी भी जारी है। बाहुबली घुस गया SRK में, सीन देख रहे हो। देखो कंट्रोवर्सी के हिसाब से बहुत कंट्रोवर्सी हुई इसकी, लेकिन क्या वो लेवल ही अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन टीजर में तो सिर्फ एक ही बात बोली है, मूवी देखने आओ भाई आएंगे। SRK की मूवी नहीं देखेंगे तो किसकी देखेंगे? क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो, सलार से ज्यादा या फिर सलार से कम? कमेंट करके बताइए मुझे। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टीजर आ चुका है, एक्साइटमेंट सिर्फ और सिर्फ आगे मूवी के लिए। सितंबर में अपकमिंग मूवी जवान की हाइप्स कितनी क्रिएट होती है, क्योंकि सलार और जवान भाई साहब एक ही सिस्टम में, देखते क्या होता है आगे। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।